हमको समझना पड़ेगा ये साथी चंद्रशेखर पे और भीम आर्मी पे इनका इतना गुस्सा क्यों है। योगी की सरकार आने के बाद जो पहला काम ये करना चाहते थे, आप तमाम लोग जो यूपी से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, सहारनपुर से आते हैं, उनको याद होगा एक यात्रा निकाली उन्होंने, उनके एक सांसद ने बोला अंबेडकर शोभा यात्रा, अंबेडकर जयंती के कुछ दिनों बाद। उस शोभा यात्रा से करना क्या चाहते थे, वो चाहते थे जो उन्होंने गुजरात मॉडल बोलते हैं और गुजरात में और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जो उन्होंने किया है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना और दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को अपने ब्राह्मणवादी एजेंडा में सांप्रदायिक दंगों में इस्तेमाल करना। भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस पूरा जो उनका गेम प्लान था उसको समझे और उसमें अपने फुट सोल्जर्स नहीं बने। उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, हमारा दुश्मन आरएसएस है, हमारा दुश्मन योगी आदित्यनाथ है, इसलिए उनका आज गुस्सा है। आज वो तमाम हथकंडे इसलिए अपना रहे हैं, वो नहीं चाहते कि शोषितों में एकता बने, वो नहीं चाहते कि शोषितों में शोषकों के खिलाफ एकता बने, इसलिए वो शासित साथी चंद्रशेखर को अंदर रखना चाहते हैं। पिछले 8 महीने में जब से योगी सरकार आई है एक आतंक का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने करके रखा है और पिछले 3 साल में इस मोदी की सरकार ने करके रखा है। आप इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, आप इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे तो गोली उठा के भून दिया जाएगा, आप इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे तो गौरक्षकों के द्वारा आपको मार दिया जाएगा। यही इनका मॉडल है, इसको ये विकास बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, यही वो मॉडल है। योगी आदित्यनाथ बड़ी चौड़ाई लेकर उत्तर प्रदेश में एक बात बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब कोई क्रिमिनल होगा तो उसको गोलियों से भून दिया जाएगा या जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ बहुत चौड़ाई लेके बोल रहे हैं कि कोई भी क्रिमिनल होगा हम उसको उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ तो खुद एक क्रिमिनल है तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए। योगी आदित्यनाथ पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, दंगा भड़काने का केस, मुसलमानों के खिलाफ भीड़ इकट्ठा करने का केस, वहाँ नफरत फैलाने का केस, उसके बावजूद वो वहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और बोलते हैं क्रिमिनल्स की कोई जगह नहीं है। हम जानते हैं उनका क्रिमिनल से मतलब क्या है, उनके लिए इज्जत की ज़िंदगी जीना और इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, उनके लिए समानता की बात करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से सब कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी है। इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। आज गौरक्षकों के नाम पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी छूट है कि आप जाइए किसी को मारिए, किसी को पीटिए, कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ। आपको पूरी छूट है कि अगर दलितों पर जाइए, उनके घर जलाइए, कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ। पिछले 6 महीने में मई से लेकर नवंबर तक उन दलित घरवास जिनके घर जलाए गए थे आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन जिन लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई आज भी वो जेल के सलाखों के पीछे है। योगी साहब यहाँ तो आपको एक मेमोरेंडम देने आए थे, एक चुनौती के बतौर लीजिए, अगर आप बात को नहीं माने तो आपके घर के अंदर घुस के, आपके विधानसभा के अंदर घुस के आपको निकाल के आपके शासनकाल को ख़त्म करेंगे और ये हमारा आपसे वादा है।